गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज TN ग्रुप के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग। हमारे यहाँ कौन आया है पता आपको? लाल बहादुर साहब और उनकी टीम ग्राम पाठशाला, जिन्होंने संकल्प लिया है कि हर गांव में लगभग, सर मैं आंकड़ा भूल जाता हूं, 6,64,379 6,64,369 गांव हैं ऑल ओवर इंडिया। आप सब दिन रात इसी मेहनत से और लगन से जुड़े रहते हैं। हर रोज 2-4 लाइब्रेरी का आप उद्घाटन करते हैं और आप सब लोगों की एक खासियत है कि आप किसी से एक नया पैसा भी दान नहीं लेते। जिस गांव में हम सब लोग ब्याह शादी करने के लिए लड़के वाला लड़की के यहाँ जाता है, या कुछ हमारे ऐसे भी हैं कि लड़की वाले लड़के के आते हैं, तो वो सब लोग पहले क्या कहते थे, भाई धर्मशाला के 1100 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए मंदिर के। तो आज हर गांव इतना अवेयर हो चुका है कि सबसे पहले वो ग्राम पाठशाला के लिए पैसे देता है। तो ये इतना अच्छा कॉज है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आने वाला भविष्य और आपका भविष्य तो आप सभी तैयार कर रहे हैं भाई। जब बच्चा शिक्षित होगा, गांव से पढ़ लिख करके जब कॉलेज में आएगा, तो आप ही के लिए ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। और आने वाला देश अगर शिक्षित है तो आप सब लोग समझिए कि आपका भविष्य सुरक्षित है। तो मैं बहुत ज्यादा समय इस टीम का लूंगा नहीं, क्योंकि आप सब लोगों को भी विद इन 10 मिनट हम लोग लेके जाएंगे ओडी में, वहाँ पे थिएटर में आप सब लोग क्या करते हैं एक मूवी के थ्रू दिखाएंगे। और आज हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि आप सबके साथ हम एक MOU साइन कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी भी गांव के बच्चे को हमारी 6 की 6 लाइब्रेरी में या 8 की 8 लाइब्रेरी में कभी भी कोई स्टूडेंट आए, कोई भी ब्रांच का आए, किसी भी फील्ड का आए, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा, यहाँ उसके लिए स्पेस अवेलेबल कराया जाएगा। बाकी तो लाल साहब एंड इनकी टीम जो जैसा हमें बताएंगे हम वैसा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय निकाला और आप यहाँ पर आए, हम बहुत ही खुश नसीब हैं। और आगे भी आप जब जैसा चाहेंगे, हमारे टीचर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके गांव में अगर लाइब्रेरी आपको खोलनी है तो उसका खर्चा मैं दूंगा, लेकिन लाइब्रेरी आपको चलानी है। मेरे गांव में मैंने सरपंच को बोला हुआ है कि सरपंच साहब आप लाइब्रेरी चलाओ, लेकिन चक्कर क्या है कि वहां पे जो मैंने अपनी हवेलियां थी अड़ोसी पड़ोसी को डोनेट कर दी, अब वो सब रह रहे हैं। तो सरपंच अभी थोड़ा सा परेशान है कि गुप्ता जी मैं दो जगह देख लूं। तो आप सब लोग ये ना डरें कि आपके गांव में लाइब्रेरी खुलेगी आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। पैसा देने वाले आप कोई नहीं, पैसा देने वाला मैं कोई नहीं, भगवान है जिसने पैदा किया है। पत्थर के अंदर भी जो कीड़ा है उसको भी भगवान रोजी रोटी देता है, उसको भी रोज दाना पानी देता है। और आप तो शिक्षित वर्ग से हैं, तो आप हमेशा ग्राम पाठशाला को लाइक कीजिए, उसको देखिए। और आपके घर में जो भी बुक हैं आप किसी भी ग्राम पाठशाला में डोनेट कीजिए, तो वो जो आपने शिक्षा ग्रहण की है उससे, जो स्टूडेंट उससे शिक्षा ग्रहण करेगा, तभी आप फ्लोरिश होंगे। थैंक यू सो मच।